तर आगामी लोकसभाच नव्हे तर विधानसभा निवडणुकाही शिवसेनेसोबत युती करून लढवणार असल्याचा विश्वास भाजपाध्यक्ष अमित शहांनी Z24 दिलेल्या खास मुलाखतीत व्यक्त केलाय. उद्धव ठाकरेंशी चर्चा करून नाराजी दूर करण्यात यश येणार असा विश्वासही त्यांनी या विशेष मुलाखतीत व्यक्त केलाय. उद्धवजी से जो आपकी मुलाकात है वो तो आपके मित्र रह चुके हैं, तो उनसे मुलाकात ये संपर्क अभियान का ही भी एक हिस्सा है या उनकी जो नाराजगी है वो दूर करने की कोशिश है? पहले मैं थोड़ा आपको करेक्ट करना चाहूँगा, रह चुके है नहीं, हमारे मित्र है और एक रूटीन मुलाकात है. स्वाभाविक रूप से जब मैं मिलूंगा तो सारी चीजों की चर्चा भी होगी, उनकी ओर से भी होगी, मेरी ओर से भी होगी. और मैं मानता हूं ये गठबंधन की दो पार्टियों के बीच का अफेयर्स है, ऐसा नहीं है कि मैं पहली बार मिला हूं. केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद मैं पांचवी बार उद्धव जी को मिलूंगा, तो ये मिलना कोई नई बात नहीं है. पालघर के चुनाव के पार्श्व भूमिका में मीडिया को इसका महत्व ज्यादा दिखता है, मैं उसको रूटीन अफेयर्स मानता हूं. लगातार उनकी नाराजगी इस या उस फॉर्म में वो व्यक्त करते आए हैं और सामना में आज भी लिखा गया है, शायद कल भी कुछ लिखा जाएगा, तो ये आप कितनी गंभीरता से लेते हैं जो कुछ ऐसा लिखा जाता नहीं, है वो? किसी भी साथी दल की भावनाओं को हमको गंभीरता से ही लेना चाहिए, उसी तरह से हम गंभीरता से ही लेते हैं. परंतु मुझे पूरा भरोसा है कि 2019 का चुनाव हम साथ में लड़ेंगे और महाराष्ट्र विधानसभा का चुनाव भी हम साथ में लड़ेंगे. आपको पूरा भरोसा है? जी. अच्छा. Z24 रहा एक पाउल पुढे.